कुरहनी से महागठबंधन की पलड़ा जबरदस्त भारी है। मैं जमानत जब्त करवा दूंगा बीजेपी का। मनोज कुशवाहा का पलड़ा भारी लग रहा है, आप किसको वोट कीजिएगा? हम तो राजद को करेंगे। पिछले बार बीजेपी में केदार गुप्ता 2500-2500 से हारे थे, इस बार 25,000 से जीतेंगे। भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है, वो केंद्र की बात है, ये स्टेट की बात है। मनोज कुशवाहा के छोड़कर दूसरा कोई निकलने वाला नहीं है। मनोज कुशवाहा जिंदाबाद। लड़ाई दोनों में है, पलड़ा भारी बीजेपी के है। राजद अगर बकरी को गला में टिकट बांधेगा तो उसी को यहाँ का ज्यादा जीत करके जाएगा, बांधेगा वो भी जीत जाएगा, उसको मार के ठीक कर देंगे बीजेपी वाला के। बीजेपी है कहिए आखिरी बात, वोट देंगे तो मतलब एकदम जुलम कर देंगे हम। नमस्कार, मैं सुंदरम कुमार और आप लाइव बिहार देख रहे हैं। कुढ़नी में चुनावी माहौल काफ़ी गर्म सा होता जा रहा है और जगह जगह चौक चौराहों पर भी लोगों के द्वारा चुनावी चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है। अभी हम मौजूद हैं कुढ़नी विधानसभा के सकरी चौक पे और यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं और यहाँ से गुजरने के बाद पता चला कि लोग चुनाव पे चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए काफ़ी सारे ग्रामीण भी हैं, उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पे किसका माहौल ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है। आइए हम कुछ ग्रामीणों से भी बात करते हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? नंद किशोर सिंह। क्या लग रहा है यहाँ से किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? यहाँ से कुरहनी से महागठबंधन की पलड़ा जबरदस्त भारी है। आप किसको वोट करने वाले हैं इस समय? आप तो महागठबंधन को हम वोट करने वाले हैं। महागठबंधन से भाजपा से नाराज है? भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है, वो केंद्र की बात है, ये स्टेट की बात है। स्टेट में कहीं भी भाजपा को आप नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं देख रहे हैं, है भाजपा, भाजपा है। भाजपा को नहीं देकर के महागठबंधन को वोट देना कहीं ना कहीं नाराजगी तो दिखाई दे रही है। नाराजगी नहीं है, ये अपनी बात है, मन कर रहा है कि उनको वोट दे, वोट दे। और कोई नाराजगी नहीं? और कोई नाराजगी नहीं है, महागठबंधन जीत सकती है यहाँ से एकदम बिल्कुल 100%। चलिए और भी लोग हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम शंकर राय है। क्या लग रहा है माहौल किसके फेवर में है? वे जो बोले हैं नंद किशोर सिंह, ये जो है सो प्योर बीजेपी के कार्यकर्ता है, प्योर, वो कभी वोट नहीं देंगे ये गठबंधन को। मैं जमानत जब्त करवा दूंगा बीजेपी का। बीजेपी का जमानत जब्त हो जाएगा? जमानत जब्त हो जाएगा, यहाँ से कोई मनोज कुशवाहा के छोड़कर दूसरा कोई निकलने वाला नहीं है। मनोज कुशवाहा जिंदाबाद। मनोज कुशवाहा आखिर क्या क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा वोट? स्थानीय है, दूसरा तो स्थानीय है नहीं, ये ब्लॉक में एक पैसा बिना पैसा का काम नहीं होता था। मनोज कुशवाहा ने ब्लॉक का कमीशन बंद कर दिया। दो मिनट मनोज कुशवाहा कमीशन बंद कर दिया, हम लोगों के लिए जय जय है। तो यहाँ से एक चीज बताइए, राजद का सिटिंग सीट था और वो क्या किए कि जेडीयू को दे दिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं 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 नहीं, नीतीश और लालू एक है। पहले तो नीतीश जी एनडीए में खाली है, बिहार को उन्नत ऊर्जा देगा ये। नीतीश जी के शराबबंदी कानून से खुश है? हाँ हाँ बहुत है, यहाँ पर जो है सो मर्डर होता था, पी करके एक्सीडेंट होता था। नीतीश जी का शराबबंदी 100% लागू हो, शराबी बंद हो, मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसका पूरा समर्थन रहेगा मनोज कुशवाहा को? मनोज कुशवाहा का समर्थन रहेगा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं कि कुढ़नी में चुनाव है और चुनाव पे चर्चा ना हो ये तो देखा नहीं जा सकता। क्या लग रहा है किसका माहौल भारी है यहाँ पे? यहाँ पर विजय, क्या नाम है इसका, मनोज कुशवाहा का पलड़ा भारी लग रहा है। आप किसको वोट कीजिएगा? हम तो राजद को करेंगे। क्या कारण है कि राजद को ही कीजिएगा? राजद का, हम राजद का पार्टी के हैं, इसीलिए राजद को छोड़ करके तो आज तक हम किसी को दिए ही नहीं। जादव है, जादव आगे पीछे नहीं देखता है, जादव है तो खुल के समर्थन किया है। अगर राजद अगर बकरी को गला में टिकट बांधेगा तो उसी को यहाँ का ज्यादा जीत करके जाएगा, बांधेगा वो भी जीत जाएगा, मतलब किसी को भी आ जाए। हाँ कोई भी आ जाए, इसको हरा नहीं सकता है। राजद से मतलब महागठबंधन से कोई भी आए, कोई भी आ जाए, वोट बैंक भले ही ना आप लोग वोट कीजिएगा उसको। हाँ वोट करेंगे, आना रहेगा तो वोट करेंगे। चलिए अच्छा है, ये आपका है, आपको क्या लग रहा है किसको मौका मिल सकता है यहाँ से? हमको तो लग रहा है पिछले बार बीजेपी में केदार गुप्ता 2500-2500 से हारे थे, इस बार 25,000 से जीतेंगे। अच्छा, फुल कॉन्फिडेंस है? फुल कॉन्फिडेंस। 25,000। क्या नाम हो गया? मंटुन कुमार, सकरी सरैया। अच्छा चलिए, तो देख सकते हैं लोगों की अपनी अपनी राय है और अपना अपना कहना है कि कोई लोग किसको दे सकते हैं। क्या नाम हो गया सर आपका?
हमारा नाम हो गया सुदेश प्रसाद गुप्ता। क्या लग रहा है, किसको यहाँ पे देखा देख रहे हैं आप? लड़ाई दोनों में है। दोनों में आप किसको देख रहे हैं? हम किसको देखे, तो लड़ाई दोनों में। तो आप अपना नजरिया बताइए कि किसका पल्ला ज्यादा भारी दिख रहा है आपके अनुसार से? कथी लड़ाई दोनों में है, पलड़ा भारी बीजेपी के है। बीजेपी के पलड़ा भारी है, उसको मार के ठीक कर देंगे बीजेपी वाला के। बीजेपी है कहिए, आंख नहीं बात वोट देंगे तो मत एकदम जुलम कर देंगे हम। मतलब आप वोट नहीं देने दीजिए, धरती में आग लगा देंगे, धरती में वोट नहीं देने दीजिए, नहीं देने देंगे। अच्छा हाँ, वोट दे नहीं देखेंगे हम तो। ये तो खुल के बोलेंगे वोट नहीं देने देंगे। हाँ हाँ, चलिए देखना होगा आने वाले दिन में जब चुनावी माहौल और गर्म होगा तो कौन यहाँ से जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि चुनाव पे चर्चा काफ़ी गर्म सा है और राजद के समर्थक लोग बोलेंगे खुल के कि यहाँ से अगर राजद किसी को भी महागठबंधन किसी को भी टिकट दे देगी उसको भी आंख बंद करके वोट दे देंगे। और कुछ लोग थे हालांकि बीजेपी के नाम लेने से हिचक रहे थे लेकिन फिर भी बीजेपी का भी यहाँ पे वोट देखा जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।